उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विरोधी दल राम गोविंद चौधरी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उनका सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। फिलहाल उन्हें संजय गांधी PGI के कोविड सेंटर में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले बदायूं से समाजवादी पार्टी के सांसद रहे धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सोमवार को 605 नए मरीज सामने आए थे, और इससे मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश में अब कोरोना पीड़ितों की संख्या 18,442 हो गई थी। इसके अलावा 19 की कोरोना से मौत भी हुई है। अब तक प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 569 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से 606 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या जो है 11,601 हो गई है।